औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत इनायतुल्लाह शाह के बारे में बात करेंगे, जिनका मिज़ार लाहौर में वाक़िया है और आप बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद भी हैं। हज़रत शाह इनायत का पूरा नाम हज़रत सूफ़ी मोहम्मद शाह इनायतुल्लाह हनफी कादरी शतारी था। आपके वालिद का नाम पीर मोहम्मद था। आप ज़ात के अराएँ थे। आपके अजदाबाओ अजदाद का ताल्लुक लाहौर से है, जो पुश्तर पुश्त यहाँ आबाद थे। हज़रत शाह इनायत कादरी के बुज़ुर्ग लाहौर के इलाका मजंग में एक वसी रकबे पर काश्तकारी करते थे। खेतीबाड़ी आपका ज़रिया मुआइश था। नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा बुल्ले शाह से क्यों नाराज़ हुए और हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने हज़रत शाह इनायतुल्लाह कादरी को कैसे मनाया था। इसकी वजह ये थी कि कसूर में इनसे मिलने के लिए आने वाले हज़रत इनायतुल्लाह के हकीकी भतीजे और दामाद को हज़रत बाबा बुल्ले शाह वक्त ना दे सके। हज़रत इनायतुल्लाह की बुलंदी का बयान इससे ज़ाहिर होता है कि इनको राज़ी करने के लिए हज़रत बाबा बुल्ले शाह को बाड़ा जाना पड़ा, जहाँ हज़रत इनायतुल्लाह के सिलसिला शतारी के बुज़ुर्ग हज़रत शेख मोहम्मद गौस का मज़ार था। वहाँ रकैया और शेख ने अपने दिल की हालत बयान की, वो तरीका पूछा जिनसे इनके मुर्शिद राज़ी हो जाएँ। सारा हुआ कि एक कवाल हज़रत इनायतुल्लाह की खिदमत में अरफाना कलाम पेश करते हैं, जिन्हें वो नहायत पसंद करते हैं। आप भी कवालों के इस ग्रोह में शामिल हो गए। फिर हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने मनंगिया का रूप धार कर दिल का दर बयान किया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। जब अपने कलाम में हज़रत इनायतुल्लाह का जिक्र किया तो शाह इनायतुल्लाह ने इन्हें पहचान लिया कि दुबुल्ला है, तो जवाब मिला नहीं, मैं भोला हूँ। मुर्शिद ने गले लगाया और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले सच्चे आशिक को अपनी मंजिल मिल गई। नाज़रीन, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुर्शिद हम पर नज़र करम के लिए मुंतज़िर है, लेकिन हम अगर अपने दिल और रूह की निगाह से देखें तो इसे पहचानेंगे, इसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो हमें तौहीद के रास्ते पर लेकर जाने के लिए बेचैन है। हज़रत इनायतुल्लाह का मिज़ार आज भी इस ज़ात पात की इस तकसीम को रद्द करता हुआ नज़र आता है, जिसमें बाबा बुल्ले शाह ने सैयद होकर एक अराई के हाथ पर बैत करके बताया कि तकवा क्या है और जिसको खुदा बुलंदी अदा करते वही बड़ा है। जब जवाल की आंधी चलती है तो फिर चीज़ों को समेटने का वक्त नहीं रहता, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। जब कोई सल्तनत जवाल की कैफियत में होती है तो मज़ामतों और नजावतों से खौफजदा हो जाती है। हज़रत इनायतुल्लाह बागवानपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक कराई ख़ानदान के चश्मो शिराक और पैदाइशी सूफ़ी और वली थे। जब तालीम मुकम्मल हुई तो मुर्शिद ने कसूर जाने का हुक्म दिया। कसूर और लाहौर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन ना जाने वहाँ की आबो हवा, ज़मीन और रियासत में क्या कैसा इम्तहान मखसूस है कि इससे गुजरना ज़रूरी हो जाता है। आप मुर्शिद के हुक्म पर वहाँ तशरीफ़ ले गए और लोग आपके हुस्न सलूक, इल्म व फाज़ल, तसव्वुफ़ के रंग से मुतासिर हुए और आपके हलका में शामिल होना शुरू हो गए। दायरा वसी होने लगा। फिर इस वक्त के हाकमीन कसूर से ये बात हजम ना हुई, इख्तलाफात के सिलसिले शुरू हो गए। फिर इनको ये वजह मिली कि कसूर की एक मोनिया लंगर खाने में खिदमत गुजारी का काम करती थी। इसकी बेटी दीन की तालीम से बहराबर थी, हाफिज़े कुरान थी, जिससे शाह इनायत का निकाह हो गया। मोनिया से मुराद गाने गाने वाली, यानी एक गाना गाने वाली की लड़की से आपका निकाह हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह के निकाह को इसका कसूर मान लिया गया और कहा गया कि वक्त के आलिम व फाजली मोनिया की लड़की से निकाह किया, इसकी वालदा का गाना गाने बजाने वाले से ताल्लुक अच्छा ला गया। अंदरूनी खाना वजह यह थी कि मोनिया की बेटी गाना गाए और नवाबों की महफिल में जाए। हज़रत इनायतुल्लाह को तलब किया गया और इस कान से बाज रहने की तलकीन की गई। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस निकाह की हुरमत पर कायम रहे। बस इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करवा दिया गया था। ये मिज़ारात औलाद पाक की हज़रत शाह इनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जो औलाद है, ये उनकी जो है वो ज़्यारत है। और अब हम आपको लेके जाएंगे अंदर दरगाह की तरफ। ये आप रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर के मनाजर आप देखें कि कितनी खूबसूरत दरगाह ये बनाई गई है। और यहाँ पे आप देखें, ये देखें माशाल्लाह से, ये हाफिज़ मोहम्मद इनायतुल्लाह सरकार हैं, जो कि बुल्ले शाह सरकार के मुर्शिद हैं। और ये उनकी दरगाह है लाहौर में, जो कि मौजूद है। हम लोग भी यहाँ पे पहली बार आए हैं और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और जिसका भी यहाँ लाहौर आना हुआ तो यहाँ पे ज़रूर आए और अपनी हाजिरी यहाँ पे ज़रूर पेश करें। ये एक छोटी सी खूबसूरत वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके वसीले से हम सब मुसलमानों की मुश्किलात को आसान करें और हमें नेकी की हिदायत अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन।